हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनडी कंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार जो करोजन ट्रीटमेंट है उसका कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताने वाला हूँ। आपके घर में अगर इस टाइप से स्टील एक्सपोज हुआ है तो आप इसका ट्रीटमेंट अब खुद से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है फ्रेंड्स। करोजन स्टील को पूरा ख़राब कर देगा एंड आपका घर गिर भी सकता है, बिल्डिंग गिर भी जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आज आप लोगों को कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताने वाला हूँ पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार के बारे में। इसके लिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले जो एरिया है, बीम, स्लैब और जो भी आरसीसी सरफेस है जहाँ पे क्रैक्स है, उसको वो जो एरिया को सबसे पहले लूज जो मटेरियल है उसको रिमूव कर लो। आप हैमर से और ब्रेकर यूज करके वो लूज मटेरियल आप निकाल दीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेप आता है वो रस्टिसाइड, जो स्टील है जो एक्सपोज सरफेस है उस पर रस्टिसाइड लगाइए। रस्टिसाइड जो केमिकल है, ये सुनंदा का केमिकल है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं। मैं आप लोगों को सुनंदा का केमिकल सिर्फ बताने वाला हूँ, बाकी मार्केट में डॉक्टर फिक्सिट, BASF, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले रस्टिसाइड लगा दो। तो रस्टिसाइड लगाने से जो स्टील करोड हुआ है उसकी स्केलिंग निकल जाएगी एंड आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। जितना भी स्टील खराब हुआ है वो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये रस्टिसाइड लगाने से जो स्टील है वो प्रॉपर क्लीन होगा। तो फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, रस्टिसाइड लगा के प्रॉपर जो स्टील एक्सपोज हुआ है उसको क्लीनिंग कर देते हैं। आप उसको पानी से पूरा क्लीन कर दो तो जितनी भी लूज मटेरियल्स है सब रिमूव हो जाएगा। क्लीनिंग करने के बाद में फ्रेंड्स, जो सेकेंड स्टेप है फ्रेंड्स, आप पॉलीमर जो फिक्सो प्राइम सुनंदा का केमिकल है वो आप लीजिए एंड आप उसके साथ में सीमेंट लीजिए। ये दोनों का मिक्सचर, ये एक आप पेस्ट बनाइए एंड जो स्टील है वो स्टील पे आप अप्लाई कर दीजिए। जो एक्सपोज सरफेस है उस पे फिक्सो प्राइम सुनंदा का केमिकल आप 1:1 में आप दोनों को ले सकते हैं एंड आप उस जो एक्सपोज सरफेस है उस पे लगा दो। ये जो फ्रेंड्स फिक्सो प्राइम जो जिंक प्राइमर जो लगाते हैं तो इससे क्या होगा, जो ये इन फ्यूचर करोजन को स्टॉप करेगा, प्रिवेंट करेगा। एंड ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, आपको पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर का जो रेशियो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो पॉलीमर है 1:5:15, ये आपको 3 रेशियो प्रॉपर मिक्स करना है। तो इसके लिए जो फर्स्ट जो होता है 1, ये आपको केमिकल पॉलीमर यूज करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को सुनंदा का पॉली EP बताने वाला हूँ। दूसरा BASF का मास्टर इमाको भी आते हैं, डिफरेंट कंपनीज के केमिकल्स हैं। तो आप EP सुनंदा का पॉली EP यूज कर सकते हैं एंड 5 पार्ट आपको सीमेंट यूज करना है। सीमेंट आप 43 और 53 ग्रेड का आप सीमेंट यूज कर सकते हैं एंड जो 15 पार्ट है फ्रेंड्स, 15 पार्ट आपको जो है वो यूज करना है। सबसे मेन क्वार्ट्ज सैंड, आपको नॉर्मल सैंड रिवर सैंड यूज नहीं करना है, आपको क्वार्ट्ज सैंड यूज करना है। ये पी जो क्वार्ट्ज सैंड है ये 2 साइजेस में आपको यूज करना है, एक जो है थोड़ा फाइन होता है एंड एक कोर्स होता है। आप मार्केट में क्वार्ट्ज सैंड भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये आपको फ्रेंड्स टोटल पॉलीमर सीमेंट क्वार्ट्ज सैंड जो 50% 15 पार्ट है ये 7.5 फाइन क्वार्ट्ज सैंड यूज करना है एंड 7.5 जो है कोर्स पार्ट यूज करना है। एंड इसको प्रॉपर आपको 5 फर्स्ट जो है ड्राई मिक्स करना है। सीमेंट एंड जो आपका क्वार्ट्ज सैंड है इसको प्रॉपर ड्राई मिक्स करना है एंड ये पूरा ड्राई मिक्स करने के बाद में आपको पॉलीमर ऐड करना है 1 पार्ट। आप कैसे भी ले सकते हैं, लीटर में ले सकते हैं और जैसे भी, आपको 1 पार्ट यूज करना है पॉलीमर का, 5 पार्ट यूज करना है सीमेंट का, 15 पार्ट यूज करना है क्वार्ट्ज सैंड का। एंड फर्स्ट दोनों सीमेंट एंड क्वार्ट्ज सैंड का प्रॉपर मिक्स करने के बाद में आपको पॉलीमर ऐड करना है। पॉलीमर ऐड करने के बाद में इसको प्रॉपर ग्लव से, हैंड मिक्स से
आपको मिक्सिंग करना है। इसमें आपको फावड़ा यूज नहीं करना है, प्रॉपर हैंड मिक्स से आपको प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद में आपको इसको पूरा होमोजेनियस मिक्सर बनाने के बाद में आपको इसको जो सरफेस है वो सरफेस पे हाथ से लगाना है, क्योंकि हाथ से लगाने से प्रॉपर लगेगा एंड प्रॉपर बॉन्डिंग होगी। इसके पहले जो लगाने से पहले आपको जो फिक्सो प्राइम एंड सीमेंट का जो है वो आपको प्रॉपर मिक्सिंग करके आपको लगा देना है, एंड ईपी लगाने से आपका जो केमिकल है वो प्रॉपर बॉन्डिंग होगा। तो 1 आवर पहले या तुरंत पहले आप जब पॉलीमर लगाने वाले हैं उसके फर्स्ट आप ईपी से वो सरफेस पे लगा दो, का जो सरफेस है वो वेट रहेगा, उसके बाद में पॉलीमर लगाओ। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, जो भी करोजन ट्रीटमेंट का, क्रैक रिपेयरिंग का। इस टाइप से पॉलीमर को लगा के एंडिंग में आप इस पे जाली मार दो, तो इससे क्या होगा, जो प्लास्टर है उसका बॉन्डिंग प्रॉपर होगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस टाइप से आपका सरफेस कंप्लीट पॉलीमर होने के बाद में दिखेगा। इसको प्रॉपर 3 डेज क्यूरिंग करना है फ्रेंड्स, क्यूरिंग होने के बाद ही आपको आगे प्रोसेस करना है प्लास्टर का। तो फ्रेंड्स आप अगर पॉलीमर करते हैं तो इसका रेट मार्केट में क्या है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली 150 टू 170 रुपीस पर स्क्वायर फुट इसका रेट होता है विथ इंक्लूडिंग लेबर प्लस मटेरियल। ये आप मार्केट में डिफरेंट लोकेशन में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, बट 150 टू 170 रुपीस पर स्क्वायर फुट इसका रेट है। एंड जो आपके केमिकल्स हैं, जो आप पॉलीमर यूज़ करेंगे, जो रस्टिसाइड यूज़ करेंगे, मैं उसके रेट्स बता देता हूँ। जो आप रस्टिसाइड यूज़ करेंगे सुनंदा का, तो ये 125 रुपीस पर केजी के हिसाब से आता है। फिक्सो प्राइम जो यूज़ करेंगे ये आपको 270 रुपीस पर केजी होगा। एंड जो सुनंदा का पॉली ईपी जो केमिकल है ये आपको 280 रुपीस पर केजी के हिसाब से आएगा। फ्रेंड्स ये मैं आप लोगों को एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहा हूँ, आप मार्केट में अवेलेबल है, आप उस हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। आप क्वांटम ऑफ वर्क ज़्यादा रहेगा तो इसमें रेट्स में वेरीज होता है। पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार, इससे क्या होगा, ये पॉलीमर ऐड करने से मोर्टार से इसकी जो श्रिंकेज एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड जो RCC एग्जिस्टिंग सरफेस है फ्रेंड्स इस पे प्रॉपर बॉन्ड होता है PMM पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप ये कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये कंप्लीट PMM का मेथोडोलॉजी समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ये प्रिपेयर करेंगे, कैसे लगाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।